अरे कोई तो आओ। नहीं, नहीं, नहीं। हम जाएंगे संभल के संभल के संभल के। अरे अरे अरे, ये हम कहाँ देख रहे हैं? पूरा महिला पुलिस थाना जो है उधरा सा ही हुई गवाह है। देखिए बात का लबुलवा भी है कि हम सीधा हेडक्वार्टर से आ रहे हैं यहाँ पे हैं। हसीना जी आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कहने के लिए। देखिए हमरा कोनो भी मदद चाहिए होगा तो बेझिझक मांग लीजिएगा, काहे कि हमरा फर्ज बनता है। लेकिन बस एक बात है, मगरमच्छ का जो कोई भी डील हुआ है ना, उसमें हमको हमरा हिस्सा मिल जाए बस। बुलबुल पांडे आपको गलत फहमी हुई है, कोई डील वेल नहीं हुआ है, मगरमच्छ तो यहाँ ये रहा। कहाँ ढूंढ रहे हैं आप लोग? हसीना मलिक, हसीना मलिक, हसीना मलिक, हसीना। अरे ससुरा गांव बसा नहीं कि भिखारी पहले आ गए। देखिए हैं, देखिए आपको कुछ नहीं पता है लेकिन बाहर आपके कारनामों के बारे में सबको पता है। भीड़ नहीं संभाल पा रहे हैं क्या आप? करिश्मा सिंह का भौकाली काफी है, हम जाते हैं बाहर। नहीं नहीं नहीं, करिश्मा सिंह आप यहाँ सिचुएशन संभालिए, सिचुएशन संभालिए, ढूंढिए, हम बाहर संभालते हैं। हाँ, आप चलिए बाहर चलिए। कहाँ ढूंढना? चलिए बाहर चलिए। कहाँ गया? ए बाप रे, अंदर नहीं। कहाँ ढूंढ रहे हो तुम? अपना बुद्धि ढूंढ रहे हो क्या? जोड़ी जोड़ी में रहते हैं तो सब सुरक्षित रहेंगे, ठीक है? आप हमारे साथ चलिए और आप साथ में रहिए। चलिए चलिए चलिए। हसीना मलिक, शांत हो जाइए भैया, आप शांत हो जाइए। क्या हुआ मैम? क्या ये सच है कि स्मगलर्स को मगरमच्छ सप्लाई करने के लिए महिला पुलिस थाने में मगरमच्छ पाला जा रहा है? अरे भाई मेरे पास वीडियो है, तो ये सवाल पूछकर तुम वक्त और सवाल क्यों जाया कर रहे हो? क्या, किस वीडियो की बात कर रहे हैं आप लोग? लो इन्हें पता ही नहीं। अरे मैडम, इस वीडियो की मुख्य किरदार तो आप ही हैं। देखिए अपना मोबाइल निकालिए, देखिए जरा। ये लोग पहले मगरमच्छ पालते हैं, फिर मगरमच्छ के खाल को निकालकर उन्हें ऊंचे दामों पर बेचते हैं। हसीना मलिक, हसीना मलिक, हसीना मलिक, हसीना मलिक, हसीना मलिक। एक मिनट, इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आधा सच है। तो पूरा सच आप बता दीजिए। हमने जितने भी बक्से बरामद किए थे उनमें से एक बक्से में से असली मगरमच्छ निकला है। तो आप लोगों ने यह तय कर लिया कि हमने मगरमच्छ चुराया है। देखिए हमने वन विभाग को कांटेक्ट किया है, उनके अधिकारी जब आएंगे और हम जब उन्हें ये मगरमच्छ सौंप देंगे तब आप लोगों को सच समझ में आ जाएगा। अरे 100% ताजा खबर दे रहे हम तुमको। हाँ 50% कमीशन हमारा घर पे पहुंच जाना चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ अगर ऐसी बात है तो दिखाइए मगरमच्छ। कहाँ रखा है आप लोगों ने मगरमच्छ को? क्रोकोडाइल कहाँ हूँ? रे 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 रे, गली का कुत्ता नहीं है मगरमच्छ है। हाँ सुअर खाता है। तुम ही है उसका गुलगुल चारा। क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल खोजिए मगरमच्छ को। तब से हम आपकी तरफ देख रहे हैं, आपका ध्यान कहीं और है। उसकी मैया का सासू मैया, जितना ध्यान से हमें देख रही है उतना ध्यान से अगल बगल देखेंगे ना तो शायद मगरमच्छ मिल जाएगा। ढूंढिए। हाँ हाँ ढूंढ रहे ढूंढ रहे। नवाब जो है उसने ख्वाब में भी नहीं देखा होगा कि उसके रूम में घड़ियाल घुस आया है। हाँ मगरमच्छ डेरा डाल के बैठा है। पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, हमारा मगरमच्छ वापिस कर दो। जिस मगरमच्छ को आपने बंदी बना के रखा है वो हमारे गांव के तालाब का रखवाला है और उसकी वजह से पूरे गांव में सुख और समृद्धि रहती है। आप हमें हमारा मगरमच्छ सौंप दीजिए। मगरमच्छ को छुपना बहुत अच्छे से आता है, अच्छे से खोजिए उसे। ये मगरमच्छ की परेशानी क्या कम थी जो अब लोगों ने बाहर धरना प्रदर्शन भी किया है। हे शिवजी, ये मगरमच्छ जल्दी से मिल जाए बस। हसीना मलिक, हसीना मलिक, हसीना मलिक, हसीना मलिक। एक मिनट, शांत 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 हो जाइए। देखिए एक बेजुबान जानवर की सुरक्षा करना हमारा फर्ज है और हम इस मगरमच्छ को अगर सौंपेंगे तो सिर्फ और सिर्फ वन विभाग को।
एक बार ये वन विभाग के पास पहुंच जाए उसके बाद आप जो चाहे कर सकते हैं। अरे लेकिन तब तक अगर भीड़ बेकाबू हुई गवा तो क्या करेंगे? हसीना मालिक, हसीना मालिक, देखिए शांत हो जाइए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को आने में अभी 2 घंटे हैं, तब तक सबको इंतजार करना पड़ेगा। तो इसका मतलब 2 घंटे तक हम आपके अधिकारी के आने का इंतजार करेंगे? अरे गांव हमारा, तालाब हमारा, मगरमच्छ हमारा और कानून तुम्हारा। अब आए हैं तो मगरमच्छ लेकर ही जाएंगे। क्यों भाइयों? क्या हड्डी हमको नहीं बुझा रहा। पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, आपको थोड़ी देर यहाँ पर सब कुछ संभालना होगा। हम अभी संभालिए प्लीज प्लीज। पुष्पा जी, पुष्पा जी कहाँ है तू? फिर आवाज कहाँ से आ रही है? सू, 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 बचाओ, हमें बचाओ। स्टोर रूम में से करिश्मा सिंह साथ में, चलिए चलिए। पुष्पा जी, अरे अरे भैया क्या कर रही है? माँ संतुलन, संतुलन माँ, थोड़ा शांति से खड़ी रहेंगी आप? अरे क्या मतलब है शांति से खड़ी रहेंगी? आपको बहुत मजा आ रहा है ना खेलने का? प्लीज चुप रहे, हमें कुछ सोचने दीजिए। अब ओके 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 चीता, एक काम करो। मैडम सर, हम नहीं जाएंगे उसके पास। नहीं नहीं, हम पास जाने को नहीं कह रहे हैं। तुम एक काम करो, जल्दी से हेडक्वार्टर जाओ और वहाँ पर जो भूसा भरा हुआ नकली मगरमच्छ उसे लेकर आओ। अरे मैडम, जाओ जाओ, जिंदा मत लाना, डमी लाना। क्रोकोडाइल, ये सब आपके हीरो पति की वजह से हो रहा है। अगर हमें कुछ हो गया ना, कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं होने देंगे हम। थोड़ा विश्वास रखिए हम पे और थोड़ा पैर थोड़ा सरकाइए। क्या कर रही हैं आप? पैर उठा के यहाँ रखी क्या? देखिए प्लीज, आप लोग अपने जज्बात जरा काबू में रखिए, वरना अगर ये बेकाबू हो गया ना तो कोई नहीं बचेगा। मैडम सर कुछ कीजिए, इन दोनों को बचा लीजिए। मेरी माँ नहीं रहेगी तो मैं माँ किसको बुलाऊंगा? माँ टोपागिरी करके किसको परेशान करूंगा? माँ प्लीज। बिल्लू कुछ नहीं कर सकते, वन विभाग के लोगों के आने तक हमें इंतजार करना ही होगा। देखिए, हमारे सबर को हमारी कमजोरी मत समझिए, हमारा मगरमच्छ हमें वापस लौटा दीजिए वरना बहुत बुरा होगा। देखिए हम आपकी भावनाओं को समझते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं आपका मगरमच्छ लौटाने की। है हम कुछ नहीं जानते, अगर हसीना मलिक ने आधे घंटे के अंदर हमारा मगरमच्छ हमें वापस नहीं किया तो आप लोग भी जिंदा नहीं बच पाइएगा। इस थाने को जलाकर राख कर देंगे। क्यों भाइयों? ठीक है, हमारी दुकान भी जल जाएगी। हमारी भी ना। तके आप लोग इतना उग्र मत होइए, हम खुद स्वयं हसीना जी से जाके बात करेंगे। है बलराम, हसीना मलिक, हसीना मलिक, पुलिस प्रशासन एकदम निशाने पे लगा है। महिला पुलिस थाना तो अब गया काम से। हसीना मलिक आप लोग इतना उग्र मत होइए, हम स्वयं हसीना जी से बात करते हैं। हैं हम कर रहे बात। क्या फोन आ रहा है इस वक्त? बुलबुल पांडे। हाँ पांडे जी, कही क्या हुआ? हाँ हसीना जी, अरे कुछ करिए जल्दी से, यहाँ जो भीड़ जो है वो बहुत बेकाबू हो रहा है और आग लगाने का धमकी दे रहे हैं। पांडे जी आपको आधे घंटे तक सिचुएशन को संभालना होगा, कुछ करिए। तकिए जो करना है जल्दी करिए, वरना उन्होंने कुछ कर दिया ना तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और हमारा सलाह तो ये है कि उनका जो मगरमच्छ है ना वो उनको सौंप दीजिए तो सारा जो है टंटा ही खत्म हो जाएगा। पांडे जी क्या करना है क्या नहीं करना है वो हम तय कर लेंगे, आप कुछ भी करके सिचुएशन संभालिए, हम नहीं आ सकते अभी। पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, हसीना मलिक,
ये सब हम दिखाने के लिए नहीं लाए हैं। हाँ। अगर हमारा मगरमच्छ हमें वापस नहीं किया तो ये थाना पूरा धुआं धुआं कर देंगे। अरे हमारे दुकान है भैया। अरे क्या जरूरत है इतना सब स्टंट करने का आपको? आपका मगरमच्छ चाहिए ना, हम आधा घंटे में आपके हाथ में दे देंगे आपका मगरमच्छ। हसीना मालिक शांत हो जाओ, आधे घंटे की मोहलत दी है इन लोगों ने, आधा घंटा इंतजार करते हैं उसके बाद इनका इंतजाम करते हैं। आया कि नहीं? आ गया। जाओ जाओ, रुको जाओ 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 जाओ, संभल संभल के संभल के। बिल्लू दे दे। क्या उसके वापस आने का इंतजार कर रही है कि चलिए 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 आइए निकलिए जल्दी 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 जल्दी। पुष्पा जी आइए, पुष्पा जी आइए, ग्रुप उठाइए बंद। अरे अरे पुष्पा जी शांत 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 शांत, आप दोनों ठीक है? हम ठीक है, हम ठीक है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी बुझाया। हसीना मालिक, हसीना मालिक, कौन जो इतना शोर शराबा कर रहे हैं बनमानुस? मगरमच्छ ने बवाल मचा कर रखा है। गांव से कुछ लोग आए हैं जिनका कहना है कि ये मगरमच्छ उनका है और हमें उन्हें सौंप देना चाहिए। हाँ तो हमें उन्हें सौंप देना चाहिए कि मगरमच्छ का पालन तो हमें करना नहीं है। वन विभाग के अलावा हम ये मगरमच्छ किसी और को नहीं सौंप सकते, ये हमारी जिम्मेदारी है। बोल बोल पांडे, तुम्हारा टाइम आउट होता है। आते ही होंगे, ये सब झूठे वादे हैं, हम तुम्हारी बातों में नहीं आने वाले। एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई, कहाँ जाएं? अब हम दस्तक गिनेंगे, अगर दरवाजा नहीं खोला तो इस थाने को जलाकर राख कर देंगे। एक, दो, तीन। इनकी मैया की सासू मैया। मैडम सर आप हमें ऑर्डर दीजिए, अभी एक एक को शूट कर देंगे जाके। शूट कर देंगे? मैडम बुरा मत मानिएगा, लेकिन एक बात बताइए हमको, आपके पास कभी भी गोली मारने के अलावा कोई दूसरा तरीका होता है? नहीं, मगरमच्छ देखती है तब गोली मार देंगे, आदमी दस्तक गिन रहा है तब गोली। हो गया बस। सॉरी मैडम सर, जब हाथी मतवाला हो जाता है तो उसको गोली मारना पड़ता है। किस किस को गोली मारेंगे आप? बाहर बहुत सारे लोग हैं। एक को गोली मार देंगे ना, बाकी सब उड़ जाएंगे। पंछी है क्या वो उड़ जाएंगे? सबको गोली मार देंगे, एक एक को गोली मार के भून के रख देंगे हम। जिस थाना ने इनके लिए इतना कुछ किया आज उसी थाना को आके आग लगा रहे हैं, इनकी हिम्मत कैसे हुई इतनी? आप कभी तो भरोसा कीजिए मैडम सर, थोड़ा भरोसा कीजिए हम पे, छोड़िए एक बार, हम निपटा देंगे। चुप ना मैडम सर, इन्हें कहिए, आपको लल्ला की कसम है, अगर आप यहाँ से एक कदम भी आगे बढ़े ना तो हम वापस मगरमच्छ के कमरे में चले जाएंगे। हाँ जाइए मैडम सर, आप हमें इन्हें समझाइए ना। हम बात कर रहे हैं, करिश्मा सिंह चाहे कुछ भी हो जाए, आप थाने से बाहर नहीं जाएंगे। हाँ। और जहां तक बात है इस मुसीबत को हैंडल करने की, तो एक आइडिया है हमारे पास। दरोगा, अब जो कुछ भी होगा उसका जवाबदार तू होगा, और तेरी है पुलिस, हमारी कोई जवाबदारी नहीं। बाहर निकलते हो यहाँ? अरे नहीं नहीं, कुछ कर, हम आपका पालतू मगरमच्छ आपके हवाले कर रहे हैं, ये देखिए। एक मिनट, ठीक है, पीछे हो जा, पीछे हो जा, ठीक है। ऊपर रख, उधर बिल्ले, पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो। ओके ठीक है, आप लोग समझ गए। तो फिलहाल हम इस नकली मगरमच्छ को असली मगरमच्छ बनाकर बाहर इन लोगों को सौंप देंगे, ताकि इस सिचुएशन से निपटने के लिए हमें थोड़ा सा वक्त और मिल जाए। हमारे वादे के मुताबिक हमने आपका मगरमच्छ वापस दे दिया, अब प्लीज जाइए यहाँ से। एक मिनट, अरे ये हिल क्यों नहीं रहा है? कहीं तुम लोगों ने इसे मार तो नहीं डाला? ए,
नहीं नहीं, हमने मारा नहीं है, हमने तो बस उसे ट्रैंक्विलाइजर दिया है, ट्रैंक्विलाइजर दिया है ताकि वो बेहोश हो जाए। बेहोश हुआ है? हाँ हाँ, ये भी किया है। ये ही किया है, सिर्फ यही किया है। जब तक आप पहुँचेंगे अपने गाँव तब तक इसे होश आ जाएगा, आप इसे ले जाइए। ठीक है ठीक है, लेकिन ये हरकत दोबारा नहीं होनी चाहिए। उठाओ इसे और चलो। गांव वाले अभी चले तो गए, लेकिन जैसे उन्हें पता चलेगा कि वो मगरमच्छ नकली है वो तुरंत वापस आएंगे। उससे पहले वन विभाग वाले आ जाए तो बेहतर होगा। चीता प्लीज फोन करो फिर से। जी मैडम सर। अरे कहाँ है भाई आप लोग? इधर है कि लगातार टेंशन बढ़ता जा रहा है और आप लोग हैं कि देर पर देर किए जा रहे हैं। अरे जल्दी आइए महाराज। हाँ मैडम सर, 15 मिनट और लगेगा उन लोगों को आने में। ठीक है, ब्रोकोडाइल थक के सो गया है। बस रे केकड़ों के सरगना, तुम क्या लोरी सुना कर आ रहा है उसको कि तुमको पता है ब्रोकर तुम्हारा सो गया? जगा हुआ है, जागा 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 है, बंद है, बंद है, बंद। पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, जल्दी आए और इस जानवर को लेकर जाए यहाँ से। पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, हमारा मगरमच्छ हमें वापस करो, हमें हमारा मगरमच्छ वापस चाहिए, हमें हमारा मगरमच्छ वापस चाहिए। शांत शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप थाना जलाना चाहते हैं, जला दीजिए, लेकिन आग लगाने से सिर्फ धुआं निकलता है, किसी मसले का हल नहीं। आपको आपका मगरमच्छ वापस चाहिए, मिल जाएगा। सवाल ये नहीं है कि हमें हमारा मगरमच्छ मिल जाएगा, सवाल ये है कि जो अभी मिला वो नकली था। क्या गारंटी है जो आगे मिलेगा वो असली होगा? इसलिए हम खुद जाकर देखेंगे। चलो भाइयों। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। देखिए हम मानते हैं कि हमसे गलती हो गई, हमने नकली मगरमच्छ को जिंदा समझ लिया, होता है, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। हमें तो शक हो रहा है कि आपके पास मगरमच्छ है भी या नहीं। आप लोगों को अगर भरोसा नहीं है कि हमारे पास मगरमच्छ है या नहीं, तो आप में से कोई भी एक हमारे साथ चल के देख सकता है। हाँ हम चलेंगे, तुम लोग यही ठहरो, आते हम। कहाँ छुपा कर रखा है? अरे खोलो। ऐसे खुले में कौन रखता है? हाँ ऐसे ऐसे नहीं रखते, जाओ तुम पकड़ लो, तुम तो बचपन से जानता है। जाओ बक्से में बंद करो। बक्से में करो ना तुम। हमारा तो बहुत भाईचारा ना उससे, कर भैया को चारा खिलाओ जाके। अरे ये तो जाग रहा है, जाग रहा है। अरे तो क्या हो गया, घबराने की क्या बात है, ये तो आपका अपना वाला है। मैडम हमने तो सुना था आप बहुत अच्छी है, ये कैसी अच्छाई है आपकी? अरे अच्छा, खुद की सच्चाई बाहर निकली तो हमारी अच्छाई से प्रॉब्लम है। तुम्हारा पवित्र मगरमच्छ है, लगाओ गले। मैडम देखिए हम आपके खिलाफ धरना देंगे। धराओ, अब फिलहाल तो धराओ, तुम धराओ इससे, उसके बाद धरना देना रे। मैडम जाने दीजिए ना। सच में बाहर निकलना चाहते हो? एक शर्त पे। बोलिए। तुम बाहर जाके पूरी दुनिया के सामने अपनी सच्चाई बताओगे। मैडम हमें सब कुछ मंजूर है, हम सब कुछ सच सच बता देंगे। मैडम आओ इस तरफ आओ। मैडम जल्दी आओ, बंद कर, बंद कर, आ जाओ। मैडम माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। दरअसल मैडम हम पापी पेट के लिए ये सब कुछ करते थे, हम तस्कर हैं मैडम, मगरमच्छों की तस्करी करते, वो ब्लैक मार्केट में उनकी खाल को भी बेचते थे। और वो जो तुम मन घड़ंत कहानी बना रहे थे तालाब वाली, उसका का? मैडम वो सब तो ड्रामा था ताकि हमें मगरमच्छ मिल जाए और हम उसकी खाल को ब्लैक मार्केट में बेच सके। हम भी पहले से जानते थे, बस तुम्हारी जुबानी सुनना चाहते थे। और इसकी जुबानी बिना हिले रिकॉर्ड करके मैंने एक नायाब रिकॉर्ड कायम किया है। गुड जॉब बिल्लू। थैंक यू मैडम सर। मैडम महेंद्र त्रिपाठी वन विभाग से, कहाँ है मगरमच्छ? वहाँ उस तरफ। प्लीज फॉलो मी, आओ। थैंक यू मैडम सर, आज आप नहीं होती तो एक और बेजुबान जानवर की बलि चढ़ जाती। थैंक यू फॉर योर ब्रेव एंड सेल्फलेस सर्विस। ये हमारे अकेले का काम नहीं है, हमारी पूरी टीम ने मिलकर अपनी जान पे खेलकर इस काम को अंजाम दिया है, सो थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैडम, चलते हैं।
पर मैडम सर आपको पता कैसे चला कि ये लोग मगरमच्छ की खाल की तस्करी करते हैं? तो मिस्टर बुलबुल पांडे, अगर हम चाहें तो इस तस्करी में साथ देने के जुर्म में आपको अभी के अभी अरेस्ट कर सकते हैं, या चाहे तो आपके खिलाफ इंक्वायरी बिठा सकते हैं, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ऐसा करने से हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का नाम खराब हो जाएगा। लेकिन हाँ, डीएसपी सर को तो इन्फॉर्म करना ही पड़ेगा। हसीना जी, डीएसपी साहब तक ये बात ना पहुंचे तो बहुत अच्छा है। आप लोग जैसा कहेंगे हम करेंगे। ठीक है, तो सुनिए, हर साल हमारे देश में जानवरों की खाल की इल्लीगल तस्करी के चक्कर में न जाने कितने बेजुबान जानवरों की जान चली जाती है, और इस पूरे रैकेट को हम अकेले खत्म नहीं कर सकते। हम चाहते हैं इस रैकेट को जड़ से खत्म करने में आप हमारी मदद करें, लेकिन पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ। हम जरूर साथ देंगे, ईमानदारी से देंगे हसीना जी। थैंक यू वेरी मच।